अगर कोई कोई भी हो, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बांटता है शाहीन बाग को, वो कोई वो हिंदुस्तानी नहीं है। पहली बात तो यार देखिए, शाहीन बाग एक इतिहास रच चुका है हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर। वारिस पठान मेरे नेता नहीं है, वारिस पठान को हम मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मानते यहाँ पर। मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं ताकि संविधान को बचाया जा सके। AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान के द्वारा एक बयान बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 100 करोड़ एक तरफ और 15 करोड़ मुस्लिम एक तरफ। कहीं ना कहीं भड़काने वाला बयान लग रहा है ये, और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा शाहीन बाग पर। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि शाहीन बाग में तो अभी सिर्फ शेरनियाँ बैठी हैं, यानी शाहीन बाग की महिलाओं को शेरनियाँ बताते हुए कहा कि अभी तो शाहीन बाग में सिर्फ महिलाएं ही उतरी हैं, अगर पुरुष उतर गए तो बाकी लोगों का क्या होगा। मैं इस समय शाहीन बाग प्रोटेस्ट की उसी रोड पर हूँ जहाँ पर थोड़ी दूर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये आगे रोड ब्लॉक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूँगा कि दरअसल शाहीन बाग की क्या प्रतिक्रिया है, शाहीन बाग क्या सोचता है। वारिस पठान का अभी आपने सुना के बयान आया है कि भाई 100 करोड़ हिंदुस्तानी, या कहा जाए कि हिंदू एक तरफ और 15 करोड़ मुस्लिम एक तरफ, शाहीन बाग में तो सिर्फ अभी शेरनियाँ ही बैठी हैं, और पुरुष अगर मैदान में उतर गए तो आलम ही क्या होगा। किस तरह से शाहीन बाग देखता है इस पूरे मामले को? देखिए वारिस पठान, पहली बात तो होते हैं शाहीन बाग को पॉइंट आउट करने वाले होते कौन है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं, मैं पहली बार कह दूँ। और ये 100 करोड़ और क्या नाम है 25 करोड़ या 30 करोड़ को अलग जो कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं। शाहीन बाग यूनिटी लेके चल रहा है, यहाँ पे भजन भी होती है, कीर्तन भी होता है, नमाज भी पढ़ते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, वो मज़ार पे भी जाते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, और यहाँ गुरुद्वारे के पार्ट भी होते हैं। तो ये मंच जो है यूनिटी का मंच है, एकता का मंच है। इसको अगर कोई यहाँ के नाम से लेके कोई अदर पर्सन, अगर कोई कोई भी हो, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बांटता है शाहीन बाग को, वो कोई वो हिंदुस्तानी नहीं है। पहली बात तो यार, वो मुसलमान तो बाद में, वो हिंदुस्तानी नहीं है। हम यहाँ पे हमारे सपोर्ट में या पंडित जी आके बैठे हैं, गुरुद्वारे से पंजाब से लोग आके बैठे हैं, मेरे खुद जो जाट दोस्त हैं वो आके बैठ रहे हैं यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे, हम चारों लोग एक साथ बैठ के एक थाल में खाना खा रहे हैं, और वो उस तरह का बयान दे के वो क्या साबित करना चाहते हैं, हमें बांटना चाहते हैं, वो अपनी राजनीतिक चंपाने के लिए शाहीन बाग को बर्बाद करना चाहते हैं। वो बयानबाजी दें, अपना पॉलिटिकल बयानबाजी दें, लेकिन शाहीन बाग को पॉइंट करके ना दें। ये शेरनियाँ अपने देश के लिए बैठी हैं, ना कि किसी कम्युनिटी के लिए, उनको पता होना चाहिए। और जब शेर भी बैठेंगे ना, तो देश के संविधान के लिए बैठेंगे। तो ऐसे बयान से किसका फ़ायदा हो रहा है, क्या लगता है किसका फ़ायदा है ऐसे बयान से? ये सोशल वर्कर हैं क्या? नहीं है ना, ये हैं कौन? पॉलिटिकल लोग हैं ना। जब कश्ती डूबने लगती है, जब कश्ती डूबती है तो उसको एक तिनके का सहारा चाहिए, और शाहीन बाग तो माशाल्लाह बहुत बड़ा बम्बू है, जहाँ कहाँ फंसा है वो सबको पता है। तो ये तो बम्बू पे रख के चलने को चाह रहे हैं अपने आप को, वो चलने नहीं देंगे हम उनकी बात। लेकिन शाहीन बाग को मोटे तौर पे क्यों टारगेट बनाया गया, शाहीन बाग का नाम लेके क्यों कहा गया है? देखिए, शाहीन बाग एक इतिहास रच चुका है हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हर एक आदमी का एक एजेंडा है, शाहीन बाग के नाम से अपनी एक वो पॉलिटिक्स राजनीति चमकाना चाहता है, बस दैट्स ऑल। सेकुलर कंट्री है, सेकुलर लोग हैं यहाँ पे, और जो लोग देश विरोधी बात करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, फ़ौरन उनको जेल में डाला जाना चाहिए। जैसे BJP भाषा बोलती है ऐसी वो लोग भाषा बोल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो आप इस जो डायलॉग जो बोला गया है बिल्कुल खंडन करते हैं? बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे हम, क्यों समर्थन करेंगे? जैसे अनुराग ठाकुर बोलता है, जैसे उनका BJP के और लीडर बोलते हैं, सेम उसी तरह की भाषा अगर कोई बोलता है वो देश विरोधी है। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं मुस्लिम को ही ऊपर लाकर दिखाना चाह रहे हैं ना, एक तरफ 15 करोड़ एक तरफ 100 करोड़। देखिए, BJP की RSS की जो पूरी राजनीति है, AIMIM की, हाँ सुन लीजिए, पूरी राजनीति उनकी मुस्लिमों पे, उन्होंने पूरा इलेक्शन शाहीन बाग पे लड़ा है, और कमाल इस बात का है दिल्ली की जनता ने फिर नकार दिया उनको, उखाड़ फेंका, और आने वाले इलेक्शन में जो अभी वो एजेंडा बना रहे हैं बिहार के लिए, वहाँ से भी उखाड़ फेंकेगी देश की जनता, बिहार की जनता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो है शाहीन बाग को मद्देनज़र रखते हुए कहा गया कि भाई वो तो शेरनियाँ हैं, अभी तो सिर्फ मैदान में औरतें उतरी हैं, पुरुष आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको, उनका ये बयान सही लग रहा है? अरे हाँ, पुरुष और स्त्री एक ही हैं, चूँकि हम दोनों सॉफ्ट हैं, हम लोग स्त्रियों को या पुरुषों में कोई मैटर नहीं है, मैटर है वो जो टॉपिक है,
ये जो CNRC जो पूरे हिंदुस्तान के लिए 90% पॉपुलेशन के लिए डेंजरस है, उसके लिए बात हो रही है? यहाँ कोई लड़ाई और शेर शेरनिया की बात नहीं है, वो तो एक कहा जाता है। हरीश पठान ने जो बयान दिया वो उस बयान की बात हो रही है। पार्टी के आदमी हैं, पार्टी की जब भी आप बात करेंगे तो वो अपनी पार्टी को फलाह करेंगे। हम लोग किसी पार्टी के आदमी नहीं हैं, हम लोग कानून के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने जो बयान दिया कि 15 करोड़ मुसलमान एक तरफ और 100 करोड़ हिंदू एक तरफ, तो ये इसका समर्थन करती है शाहीनबाग की? कभी नहीं, इतनी गंदी बातों का तो हम लोग फैमिली में भी टॉक नहीं करते। हिंदू मुस्लिम को हम लोगों ने कभी दो जाना ही नहीं है, वरना इतना कामयाब ये प्रोसेशन चलता? अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम किए होते तो 3 दिन में ख़त्म हो गया होता, लड़ाई हो गई होती। हम लोग हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, हम लोग एक इंसान बन के रहते हैं हिंदुस्तान में, तो सभी एक हैं, यहाँ सारे धर्म एक हैं। ये तो कहा गया शुरू से, बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सभी जो हैं एक हैं, विभिन्नता में एकता का ये देश है। अपना अपना धर्म जो जहाँ पैदा होता है उसका धर्म हो जाता है, वो धर्म किसी को हम गलत कहने का क्या हक है? कोई धर्म गलत नहीं है, अपना अपने सब धर्म को पूज सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वो मैटर यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ मैटर सिर्फ है हमारा CA क्या, ये अगर NPR वगैरह है क्या वो गलत है? हमको गलत इसलिए लग रहा है कि हमें इससे ख़तरा लग रहा है, वो हमें कह दें आकर के कि आपको ख़तरा नहीं है, हम लोग हट जाएंगे। तो क्या लगता है ऐसे बयानों से किसका फ़ायदा हो सकता है, मुसलमानों का? उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको फ़ायदा होगा। किस तरह? वो अपने मुस्लिम्स को हैदराबाद में एकत्र कर लेंगे, मुस्लिम के नाम पर का हमने मुसलमानों का, उनके अकबरुद्दीन भी वैसे ही कह रहे हैं, उनके सर भी जो हैं वकील साहब बड़े जो उनके हेड हैं, उनकी भी कभी कभी जुबान फिसल जाती है, तो उनका फिसलना उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनको पार्टी बनानी है हैदराबाद में। हमें तो कोई पार्टी नहीं बनानी है, शाहीन बाग वालों को कभी कोई पार्टी नहीं बनाते हैं हम लोग, जो भी खड़े होते हैं हम उनको देते हैं। हमारे MP देखिए क्या हमने मुस्लिम को दिया था, पिछली बार MP जो हमारे हिंदू ही तो थे, तो ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसे गंदे लफ्ज़, उससे अच्छा 10 गालियाँ दे दीजिए हम लोगों को, हिंदू मुस्लिम वाले शब्द न बोलिए हम लोगों के पास, ये हम लोगों को बिल्कुल लर्जा देता है, एकदम डिस्टर्ब कर देता है बिल्कुल। यानी कि भड़काऊ बयान जो हैं वो ना दिए जाएं पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए, साफ तौर पर यही कहना है। आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब, जिस तरह का बयान आप देख रहे हो वारसी पठान का सामने आया है, आप भी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ मुसलमान एक तरफ और 100 करोड़ की जनता एक तरफ हैं, और शाहीन बाग में तो सिर्फ शेरनियाँ बैठी हैं, अभी पुरुष तो मैदान में उतरे ही नहीं, तो क्या हल होगा? इस तरह के बयान को क्या आप समर्थन करते हो, सपोर्ट करते हो? गलत है उनके ये बयान और हम उनके खिलाफ हैं, और यहाँ की आवाम खंडन करती है इन बातों का जो वारिस पठान ने बोला है। तो क्या किस वजह से बोला गया है, जबकि बोला तो आपके हक में ही है, वो भी मुस्लिम, आप लोग भी सारे मुसलमान, वो पॉलिटिकल स्टंट है, वो उनकी थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग ये नहीं है। हमारी थिंकिंग है आपस में एक दूसरे के साथ रहना और एकजुट रहना। कभी भी शाहीनबाग की आवाम, यहाँ पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट में बैठे, सभी धर्मों के लोग बैठे हैं, और इंशाल्लाह सभी साथ में। बहुत बढ़िया, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि शाहीनबाग की जनता वारिस पठान के जो बयान है उससे सहमत नहीं है, और भी यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं हिस्सा है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके विचार क्या हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, मैं वारिस पठान का जो अभी बयान आया है, तुम प्रोटेस्ट के लिए क्या आए रहे हो, वारिस पठान से क्या मतलब? नहीं, हम वारिस पठान की बात नहीं, क्योंकि उन्होंने शाहीनबाग को बोला है ना भाई, हमने उनको पहले ही, मेरा देख लो सारे पोस्ट में हमने उनको रद्द कर दिया, हम मानते ही नहीं है। क्या है वारिस पठान? वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई 15 करोड़ मुसलमान एक तरफ, 100 करोड़ एक तरफ, शाहीनबाग में शेरनियाँ बैठी हैं, अभी पुरुष तो आए। वारिस पठान मेरे नेता नहीं है, वारिस पठान को हम मुसलमान का रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं मानते। शाहीनबाग समर्थन करता है इस बयान को? देखो ऐसा है, यहाँ तो बहुत लोग आए, CA के समर्थन करने वाले भी आए, आकर के उन्होंने बोला, तो वारिस पठान बोल गए, तो वारिस पठान के यहाँ आ जाके बोलने से क्या वो जिम्मेदार होंगे सबके? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि शाहीन बाग इसको सपोर्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, सपोर्ट नहीं करता। इस तरह के बयान से किसका फायदा हो सकता है, क्या लगता है? देखिए हमने तो चलाया भाई पोस्ट के, बाकायदा ये मिले हुए हैं, BJP से मिले हुए हैं, साफ साफ हमने सब फोटो पीयूष गोयल के साथ और फडणवीस के साथ बहुत सब हमने चला दिया, फेसबुक पे डाला, ग्रुप में डाला, सब जगह डाला है, ट्विटर डाला। BJP से मिले हुए हैं, बोल मुसलमानों के हक में रहे हैं या नहीं रहे भाई, कहा को हक में बोल रहे हैं, खिलाफ बोल रहे हैं, आप समझ नहीं किस तरह से जनता को क्लियर होना बहुत जरूरी। हम लोग यहाँ पर एक जहती की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, वो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो कहां से फायदा हो जाएगा? हमारे मुहिम को कमजोर कर रहे हैं वो, किसी हिसाब से कोई सवाल ही नहीं उठता। अब वारिस पठान ने जो किया बहुत गलत किया, और हम लोग बिल्कुल निंदा करते हैं उनके सारे बयान का, और कहीं से भी शाहीनबाग से उसका कोई समर्थन नहीं। आपका क्या कहना है भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह का ये बयान वारिस पठान का आपने सुना, उन्होंने बोला बिल्कुल गलत बोला है तो, और क्या यहाँ पर मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए बैठे हैं ताकि संविधान को बचाया जा सके। और जो कुछ लोग हैं, देखे जो गद्दार होते हैं ना, वो हर जगह होते हैं जी। क्योंकि अगर गद्दार ना होते हिंदुस्तान के अंदर जी, तो आज हमारा देश
मतलब वो अंग्रेजों का गुलाम ना होता, बना हुआ होता। और जो कुछ लोग आज इंसानियत के गद्दार बने हुए बैठे हुए हैं, तो इंसानियत इनके खतरे में ना होती। तो गद्दार हर जगह होते हैं, आप उन गद्दारों को किसी भी धर्म या किसी भी एक उससे जोड़कर मत देखो। मतलब आपका कहने का मतलब यह है वारिस पठान गद्दार है? बिल्कुल बिल्कुल गद्दार है। अगर वो एक ऐसी तंजीम, मतलब जो सब धर्मों के चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए, यहाँ पर एस सी एस टी ओ बी सी मुस्लिम सब बैठे हुए हैं, और वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम 15 करोड़ मुसलमान 16 लाख हिंदुओं पर भारी हैं, सॉरी 100 करोड़ पर। तो ये क्या है, एक मतलब आपस में फूट डालने वाली चीज़ है, डिवाइड एंड रूल। तो यही अंग्रेजों ने किया हमारे पास में। अगर कोई अंग्रेज है, आपने उसने आपको कुछ और बोला, मुझे कुछ और बोला, हम आपस में लड़ रहे हैं और ऊपर वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वही काम आज जो चुनिंदा लोग हैं, बुजदिल लोग हैं, वो डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, लाइक बीजेपी। ठीक है, लेकिन वो तो शुरू से कहते आ रहे हैं हम मुसलमानों के हक की बात करते हैं, मुसलमानों के साथ हैं। अब वही बात है, एक बात बताइए, मेरा सपोज मेरा एक बेटा है, दो बेटे हैं मेरे, मैं एक बेटा कर रहा हूँ, मेरा बेटा सबसे बढ़िया ही है, सबसे बढ़िया मेरा बेटा है, मैं उसको खुला सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको बिगाड़ रहा हूँ, वो कल फ्यूचर में और कुछ नहीं कर सकता। तो वो इसी तरीके से इनडायरेक्टली, मतलब जिसको बोलते हैं ना इनडायरेक्टली धोखा देना, तो वो कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के बयान जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की फूट डालने के लिए ही किए जाते हैं, और जहाँ तक बात आती है कि इन बयानों से किसका फ़ायदा होता है, तो लोगों का यहाँ कहना है, और ख़ास तौर से शाहीन बाग के मुसलमानों का ये कहना है कि हम ऐसे बयान देने वाले लोगों के साथ, यानी कि वारिस पठान जैसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं है। ऐसे बयानों के ख़िलाफ़ पूरी तरह से हिंदुस्तान का मुसलमान है, और ख़ास तौर से शाहीन बाग की जनता ऐसे बयानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जहाँ पर एकता का प्रतीक दिया जा रहा है। इस प्रोटेस्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, वहाँ पर ऐसे बयान वारिस पठान के 15 करोड़ मुस्लिम एक तरफ और 100 करोड़ की जनता एक तरफ, साफ तौर पर यहाँ के लोग इनकार करते हैं ऐसे बयानों को सपोर्ट करने का। कैमरा पर्सन जतिन के साथ जुहेब अहमद, सत्य खबर, दिल्ली। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।